बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ करियर मैनेजमेंट। और अभी के टॉपिक में हम बात करेंगे इनएबिलिटी टू सेट करियर गोल्स और व्हाट इज करियर इनडिसिजन। बेसिकली ये सजेस्ट किया जाता है कि करियर गोल सेटिंग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी इंडिविजुअल के करियर का, और एज अ होल करियर मैनेजमेंट में भी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा समझी जाती है। हम बात कर सकते हैं स्टूडेंट्स की जो कि अपने लाइफ में करियर को सेटल करना चाहते हैं, हम वर्किंग ह्यूमन रिसोर्स की बात कर सकते हैं कि एट टाइम्स उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है टू सिलेक्ट द करियर गोल, और एट टाइम्स इट माइट बी इम्पॉसिबल टास्क फॉर देम टू एंडल इन दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। सो यहाँ पर हमारे पास एक जो कॉन्सेप्ट नजर आता है वो किससे रिलेट करता है, दैट इज रिलेटेड विद द इनडिसिजन। व्हाट इज करियर इनडिसिजन और हाउ डू वी कंसीडर वन एज करियर अनडिसाइडेड। सो यहाँ पर अगर हम लेकर चलते हैं तो करियर अनडिसाइडेड की टर्म हम यूज करते हैं इफ एनी इंडिविजुअल दे हैव आइदर नॉट एस्टैब्लिश्ड अ करियर गोल। तो पहला एस्पेक्ट आपको क्या नजर आ गया, जब एक इंडिविजुअल करियर गोल नहीं बना सकता, और इफ दे हैव सेट अ करियर गोल ओवर विच दे एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी और डिस्कम्फर्ट। सो दो एस्पेक्ट आपको नजर आए करियर गोल्स के हवाले से, या तो हमने करियर गोल्स को नहीं बनाया, या फिर हम इस सारे के सारे प्रोसेस में कंफ्यूज्ड हैं। तो ये दो एस्पेक्ट आपको करियर अनडिसाइडेड के नजर आते हैं। सो कंफ्यूज हैं, अनसर्टेनिटी या डिसकंफर्ट फील कर रहे हैं, बिकॉज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि करियर गोल को इस तरह से हम व्यू करें कि ये हमारे करियर मैनेजमेंट प्रोसेस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और इसके बगैर शायद हम अपने करियर में आगे प्रोग्रेस भी नहीं कर सकते। सो इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को समझते हुए करियर इनडिसिजन की हम तीन चीज़ों के ऊपर इस लेक्चर में डिटेल में बात करते हैं। पहली चीज़ है कि कॉजेज एंड सोर्सेज ऑफ करियर इनडिसिजन, वो क्या हमें नज़र आते हैं। देन दूसरी चीज़ हम बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ करियर इनडिसिजन जो कि एक इंडिविजुअल फेस कर सकता है। एंड देन थर्ड पे हम बात करेंगे पॉसिबल एक्शंस दैट वुड टेक टू अलाउ इंडिविजुअल्स टू बिकम करियर डिसाइडेड। सो ये तीन एस्पेक्ट्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं इस लेक्चर में। सो लेट्स टॉक अबाउट इट और आगे लेकर चलते हैं। पहले एस्पेक्ट के ऊपर हम अपनी बात शुरू करते हैं, व्हाट आर द कॉजेज एंड सोर्सेज ऑफ करियर इनडिसिजन। सो प्रायर रिसर्च जो आपको नजर आती है करियर इनडिसिजन के ऊपर, जो कि स्कूल्स और कॉलेजेस लेवल के ऊपर स्टूडेंट्स के ऊपर की गई थी, उसमें बहुत सारे डिफरेंट रीजंस हमारे सामने आए जो कि करियर गोल के इनडिसिजन के ऊपर अपनी लाइट थ्रो करते हुए नजर आते हैं। जनरली अगर हम बात करें तो ये रिसर्च हमें फोर सोर्सेज ऑफ करियर इनडिसिजन के ऊपर लेकर आती है, जैसे लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वन सेल्फ, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्क एनवायरमेंट, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन डिसीजन मेकिंग एंड द प्रेजेंस ऑफ साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। सो इसी को देखते हैं और फिर फर्दर डिफरेंट रिसर्चेस जो हैं इसको किस तरह से प्रोग्रेस करती हुई नजर आती हैं, जो कि आपको वर्किंग एडल्ट्स के ऊपर भी अप्लाई होता हुआ नजर आता है। पहला एस्पेक्ट जो हम बात कर रहे हैं दैट इज द लैक ऑफ सेल्फ इंफॉर्मेशन। सेल्फ इंफॉर्मेशन जो है वो किसके साथ रिलेट करती थी, एक इंडिविजुअल की अपनी जात के बारे में नॉलेज का होना। जैसे फॉर इंस्टेंस हम बात करते हैं इनसफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग है किसी भी इंडिविजुअल को, उसके अपने इंटरेस्ट क्या हैं, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वैल्यूज क्या हैं और लाइफस्टाइल प्रेफरेंसेस क्या हैं। यानी अगर मैं इसको कंक्लूड करना चाहूं तो अगर कोई भी इंडिविजुअल सेल्फ असेसमेंट नहीं रखता, ठीक है, पूरी सेल्फ असेसमेंट नहीं रखता, तो वो लैक कर रहा होता है सेल्फ इंफॉर्मेशन में, और उसकी बेस के ऊपर उसके लिए करियर में डिसीजन लेना, गोल को सेट करना कैन बी अ डिफिकल्ट एस्पेक्ट। दूसरा जो पॉइंट हमें इस रिसर्च की बेस के ऊपर नजर आता है वो है लैक ऑफ इंटरनल वर्क इंफॉर्मेशन। जैसे हमने सेल्फ असेसमेंट की बात की थी, इसी तरह से यहाँ पर हम एनवायरमेंटल असेसमेंट की बात भी कर सकते हैं कि जब हम एनवायरमेंटल असेसमेंट करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट एस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन आती है, जैसे टाइप ऑफ इंडस्ट्री दैट अपॉन विच वी कैन वर्क, फिर उसमें ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फिर उसमें जॉब्स हैं, और फिर अगर हम इसकी बात करते हैं कि हमारा वर्क लाइफ बैलेंस के हवाले से कुछ असेसमेंट्स भी शामिल होती हैं उसमें।
सो जब इनसफिशिएंट नॉलेज एक इंडिविजुअल रखता है कि उसके पास करियर अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद इन वंस ओन ऑर्गेनाइजेशन क्या हैं, कैसे हैं, तो वो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन का शिकार होता है रिगार्डिंग द वर्क इंफॉर्मेशन. देन थर्ड जो एस्पेक्ट हमें नजर आता है, लैक ऑफ एक्सटर्नल वर्क इंफॉर्मेशन. जैसे ऑर्गेनाइजेशन जॉब और वर्क लाइफ बैलेंस के डिफरेंट इश्यूज या इंडस्ट्री की बात आ गई, तो ये दो एस्पेक्ट में हम इसको देख लेते हैं. यहाँ पे जो पहली बात हमने की उसमें इंटरनल वर्क इंफॉर्मेशन के ऊपर हम बात कर रहे थे, और इसके बाद जब हम इसको आगे लेकर चलते हैं तो फिर हम एक्सटर्नल वर्क इंफॉर्मेशन के इस टॉपिक को एड्रेस करते हुए दिखाई देते हैं. तो ये दो इश्यूज हैं जिसके ऊपर हम फर्दर लेकर बात चलते हैं. सो लैक ऑफ इंटरनल वर्क इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है उससे रिलेट करती है, और लैक ऑफ एक्सटर्नल वर्क इन्फॉर्मेशन उन फैक्टर्स से रिलेट करती है जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है. जैसे हमारे पास अदर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, वट आर द डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज दैट आर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग अदर ऑक्यूपेशन कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज. सो अगर हम करियर में प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो हमें अपनी प्रेजेंट स्टेटस के साथ फ्यूचर स्टेटस के बारे में जो हमारे पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं उसकी असेसमेंट भी जरूरी हो जाती है. फोर्थ फैक्टर जो हमारा है वो रिलेट करता है करियर के हवाले से, कि लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस. या डिसीजन क्या है, दैट इज अ चॉइस बिटवीन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स. अब करियर के डिसीजन क्या हो सकते हैं, स्विचिंग फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर, स्विचिंग फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर इंडस्ट्री, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट से डिसीजन है. लेकिन ये रिफ्लेक्ट करता है कि इनसफिशिएंट सेल्फ अश्योरेंस इन मेकिंग करियर रिलेटेड डिसीजंस. क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, क्या मुझे ऑर्गेनाइजेशन चेंज करनी चाहिए, या मैंने इतना इन्वेस्ट किया है इस ऑर्गेनाइजेशन में, अगर मैं छोड़कर जाता हूँ तो हो सकता है मुझे यहाँ पर ज्यादा बेनिफिट मिल जाते जाए, उधर मैं नहीं जाता. ये क्या है, ये एक कन्फ्यूजन है एक इंडिविजुअल की, कि वो अपने आप में कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा होता कि उसको करियर रिलेटेड डिसीजंस लेने चाहिए. फिफ्थ जो आउटकम नजर आती है, डिसीजन मेकिंग फियर एंड एंग्जाइटी. इसको हम साइकोलॉजी में डिसीजनल पैरालिसिस भी कहते हैं, रिजल्टिंग फ्रॉम फियर एंड एंग्जाइटी ओवर मेकिंग अ करियर डिसीजन. हम ये कहते हैं कि चेंज बहुत मुश्किल होती है, और एट टाइम्स इंडिविजुअल कहता है कि मैं यहाँ पर तो ठीक हूँ, कामयाब हूँ, लेकिन कल को मैं ये चेंज करता हूँ तो क्या मैं वहाँ पर सक्सेसफुल हो सकता हूँ या नहीं. ये फियर और एंग्जाइटी उसको बेसिकली डिसीजन की तरफ जाने नहीं देती. देन नॉन वर्क डिमांड्स. नॉन वर्क डिमांड से जैसे हमने वर्क लाइफ बैलेंस के देखा है, तो एक इंडिविजुअल हमेशा दो एस्पेक्ट में काम करता है, एक काम वर्क और दूसरा उसकी लाइफ दैट इज होम एक्टिविटीज. तो नॉन वर्क डिमांड्स आर रिलेटेड विद दोज टाइप ऑफ डिमांड्स जो कि हमारे फैमिली की तरफ से आ सकती हैं, फ्रेंड्स की तरफ से आ सकती हैं. सो एट टाइम कंफ्लिक्ट आपको नजर आता है बिटवीन पर्सनल करियर डिजायर्स एंड नॉन वर्क प्रेशर्स. फॉर इंस्टेंस, इफ आई वॉन्ट टू मूव अब्रॉड फॉर अ बेटर जॉब बट माई फैमिली प्रेशर इज टू स्टे इन योर होम कंट्री, तो ये क्या है, मुझे कन्फ्लिक्टिंग इशूज नजर आ रहे हैं कि मैं करियर में ऐसे प्रोग्रेस कर सकता हूँ लेकिन फैमिली के इशूज मुझे उस प्रोग्रेस की तरफ मूव नहीं करने दे रहे. और देन सेवन्थ के ऊपर आपको नजर आता है सिचुएशनल कंस्ट्रेंट्स. वो सिचुएशनल कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, ये रिफ्लेक्ट करती हैं कि इंडिविजुअल की करियर कंस्ट्रेंट्स जो कि प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट सर्टन फैक्टर्स, जैसे फाइनेंशियल प्रेशर हो सकता है, एज हो सकती है, इयर्स इन्वेस्टेड इन अ गिवन करियर डायरेक्शन. तो ये सिचुएशनल कंस्ट्रेंट्स, यार मैंने इतना इन्वेस्ट कर दिया इस ऑर्गेनाइजेशन में, इतने अरसे से मैं यहाँ पर हूँ, अब मैं छोड़ कर चला जाऊँ, मेरी एज अब छोड़ के जाने की, नए एक्सपीरियंस करने की नहीं है, या मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं यार ये इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ और उसकी बेस के ऊपर मैं अपने करियर को चेंज कर लूँ. सो दीज आर द जनरल रीजन्स. सो अगर इसी को कंक्लूड करें तो जनरली जो फर्स्ट थ्री सोर्सेज हैं, जैसे लैक ऑफ सेल्फ इंफॉर्मेशन एंड द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये री इन्फोर्स करते हैं उसी डिस्कशन को जो कि हमने पिछले चैप्टर में भी की है, जिसमें हमने सेल्फ अवेयरनेस की और एनवायरमेंटल अवेयरनेस को इन डिटेल में देखा था. सो ये एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट नजर आती है करियर डिसीजन मेकिंग में. मींस सेल्फ एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस हमें एक ही तरफ लेकर आती है, वो है दैट इज मोर इंफॉर्मेशन, और उसकी बेस के ऊपर हम ज्यादा बेहतर अपने आप को डिसाइसिव समझ सकते हैं.
सो नेक्स्ट मूव करते हैं टाइप्स ऑफ इंडिसीजंस क्या हो सकते हैं। पास्ट रिसर्च एंड करियर डिसीजन मेकिंग के हवाले से दो फॉर्म्स ऑफ करियर इंडिसीजन को फाइंड आउट किया। पहली फॉर्म है, इसको हम कहते हैं बीइंग अनडिसाइडेड और बीइंग इनडिसाइसिव। ये दो वर्ड्स हमारे सामने नजर आ रहे हैं जो कि आपस में डिफर भी करते हैं। सो बीइंग अनडिसाइडेड वाज व्यूज एज स्टेमिंग फ्रॉम लिमिटेड एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। जब एक इंडिविजुअल के पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पास इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, जैसे सेल्फ अवेयरनेस की बात की हमने इन्वायरमेंटल अवेयरनेस की बात की, तो जब एक इंडिविजुअल के पास ये चीजें नहीं है, उसकी बेस के ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है और वो डिसीजन नहीं कर सकता, तो ही विल बी कंसिडर्ड एज बीइंग अनडिसाइडेड। बीइंग इनडिसाइसिव वाज सीन मोर एज रिफ्लेक्टिंग परमानेंट इनएबिलिटी टू मेक अ करियर डिसीजन। सो बीइंग इनडिसाइसिव जहां पे हम किसी खास फैसले पे नहीं पहुंच पाते, इसको रिलेट किसके साथ किया गया, परमानेंट इनएबिलिटी के साथ, कि एक इंडिविजुअल की ये सलाहियत ही नहीं है कि वो कोई फैसला कर सकता है। सो बीइंग अनडिसाइडेड टाइप वॉज लेटर टर्म्ड एज डेवलपमेंटल इनडिसिजन, और जो बीइंग इनडिसाइसिव था उसको क्रॉनिक इनडिसिजन का नाम भी दिया गया। सो हम अगर इसको कंक्लूड करना चाहें तो बीइंग अनडिसाइडेड हमारे पास जो नजर आता है वो क्या है जी, डेवलपमेंटल इनडिसिजन बनता है। और अगर हम बात करते हैं बीइंग इनडिसाइसिव तो वो हमें क्रॉनिक इनडिसिजन की सूरत में नजर आता है। सो प्रोफेशनली अगर हम इसको लेकर चलना चाहें तो वहां पर एक और रिसर्च भी सपोर्ट करती हुई नजर आती है कि डेवलपमेंटल और क्रॉनिक इनडिसिजन जो हैं वो कॉमन वर्ड्स के तौर पे आपको यूज होते हुए नजर आते हैं करियर मैनेजमेंट में। सो डेवलपमेंटली अनडिसाइडेड एम्प्लॉइज जिनको रिसर्च में देखा गया वो उम्र में भी कम थे, हैड लिमिटेड नॉलेज अबाउट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड एक्सपीरियंस एक्सटेंसिव नॉन वर्क डिमांड्स, ठीक है। और क्रॉनिकली ये जो अनडिसाइडेड हमारे पास लोग नजर आते थे, क्रॉनिकली अनडिसाइडेड लोग जो थे वो हमारे पास डिफरेंट काउंटर पार्ट्स रखते हुए दिखाई देते थे। सो क्रॉनिकली अनडिसाइडेड टाइप्स ऑफ पीपल कंपैरेटिवली ओल्डर जो कि यंगर से डिफरेंट हो गए, और डेवलपमेंटली ये अनडिसाइडेड लोग जो थे उनके कंपैरिजन में एज का ये डिफरेंस आपको नजर आता है। ऑल्सो दे लैक सफिशिएंट सेल्फ इंफॉर्मेशन, हैड लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिस्प्लेड मोर एक्सटेंसिव डिसीजन मेकिंग फियर एंड एंग्जाइटी, एंड एक्सपीरियंस एक्सटेंसिव सिचुएशनल कंस्ट्रेंट्स एज वेल। ये देखें हमारे पास एक डायग्राम है एग्जिबिट 4.1 सोर्सेज ऑफ करियर इनडिसिजन। जैसे ये पहले तीन डिसीजंस को और इनको अगर हम अलग करें तो ये डेवलपमेंटली अनडिसाइसिव नजर आते थे और ये क्रॉनिक अनडिसाइसिव। ये जो पहले तीन फैक्टर्स का होना और लेकिन डिसीजन मेकिंग की पार होना डेवलपमेंटली अनडिसाइसिव इनडिसिजन कहलाता है, या क्रॉनिकली इनडिसिजन जहां पे कॉन्फिडेंस भी नहीं है, डिसीजन मेकिंग भी नहीं है, नॉन वर्क डिमांड ज्यादा है, सिचुएशनल कंस्ट्रेंट्स ज्यादा है, एज वेल एज हमारे पास नॉलेज के इश्यूज भी नजर आते हैं। तो इसकी इलस्ट्रेशन आपको यहाँ पर दी हुई है, सिलेक्टेड आइटम्स हैं जो जिनकी बेस के ऊपर ये रिसर्च की गई, सो यू कैन रीड फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू दैट। सो इसी रिसर्च को अगर आगे लेके चलते हैं तो इस रिसर्च ने दो अदर टाइप्स भी बताई जहां पे मैनेजर्स हैड सिलेक्टेड अ करियर गोल। इस के हवाले से अगर इसको डिटेल में लेकर चलें तो ये जो टिपोलॉजी हमें नजर आती है डेवलप्ड बाय एर्विन जैनस एंड लियोन मैन, उन्होंने कहा कि एक हाइपर विजिलेंट और दूसरा विजिलेंट टाइप ऑफ करियर डिसाइडेडनेस। हाइपर विजिलेंट और विजिलेंट, हाइपर विजिलेंट कौन सा ग्रुप है, हैड सिलेक्टेड अ करियर गोल बट देयर प्रोफाइल इंडिकेटेड दैट द डिसीजन मे हैव बीन मेड विद इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन और वाज हेजिटली कंट्राइव्ड ड्यू टू प्रेशर्स एंड एंग्जाइटी। सो हाइपर विजिलेंट ग्रुप जिसको कहा गया, उन्होंने करियर गोल को सिलेक्ट किया, उन्होंने डिसीजन किया, लेकिन वो हेस्टी डिसीजन था, जल्दी में किया हुआ, यानी उसके बेस के ऊपर, बैक एंड के ऊपर उस तरह से इंफॉर्मेशन मौजूद
नहीं थी, और वो प्रेशर की वजह से भी डिसीजन हो सकते हैं, वो एंजाइटी की वजह से भी डिसीजन हो सकते हैं. बट द विजिलेंट ग्रुप हैड लाइकवाइज सिलेक्टेड अ करियर गोल, बट देयर प्रोफाइल शोड दैट डिसीजंस वाज मेड इन अ वेल इन्फॉर्म्ड मैनर विद लो लेवल्स ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी. सो मोर प्लान्ड डिसीजन वाज द विजिलेंट एंड मोर इल प्लान्ड डिसीजंस वर रिलेटेड टू द हाइपर विजिलेंट टाइप ऑफ पीपल. सो यहाँ पर ना एग्जाम्पल्स कुछ दी गई हुई हैं. यहाँ पे एक केस एनी का दिया गया हुआ है, एक जे का केस दिया गया हुआ है, जेनिफर का केस है. सो रीडिंग इट माइट एनहांस वंस बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ करियर इन डिसीजंस. सो इट शुड बी क्लियर कि ये फोर सिनेरियोज जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ करियर इन डिसीजंस को प्रेजेंट करते हुए भी आपको दिखाई देते हैं. जो लास्ट एस्पेक्ट देखते हैं इस लेक्चर के हवाले से कि पॉसिबल स्टेप्स क्या हो सकते हैं टू बिकम करियर डिसाइडेड. यानी हम रेमेडियल मेजर्स की तरफ अगर जाना चाहें तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेमेडीज विच आर अवेलेबल, जिसकी बेस के ऊपर हम जो करियर इनडिसीजन है उसकी प्रॉब्लम को ऑफ गोल सेटिंग सॉल्व कर सकते हैं. की एक्टिविटी जो प्रोसीड करती है सेटिंग ऑफ द करियर गोल्स के ऊपर वो क्या है जी, दैट इज द एक्सप्लोरेशन. सो फर्स्ट रेमेडियल मेजर क्या है, एक्सप्लोरेशन. सो इंडिविजुअल्स को इंगेज किया जाता है इन डिफरेंट वेरियस फॉर्म्स ऑफ करियर एक्सप्लोरेशंस ताकि वो अवेयरनेस इन्हांस कर सकें. अब ये अवेयरनेस ऑफ, ये दो चीजें आ जाती हैं, अवेयरनेस ऑफ सेल्फ भी इन्हांस होगी और इन अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंट भी आपकी इन्हांस होगी. सो ये जो हाइटेंड अवेयरनेस है सेल्फ की और एनवायरनमेंट की, ये इंडिविजुअल को इनेबल करती है कि वो रियलिस्टिक करियर गोल्स को डेवलप कर सके जो कि कंपैटिबल हो उनकी जात से, मींस उनकी पर्सनल क्वालिटीज ऑफ द वैल्यूज इंटरेस्ट टैलेंट्स पर्सनालिटी फैक्टर्स जो के वो रखते हैं. और जो इसके अलावा हमारे पास अदर प्लानिंग एक्टिविटीज भी मौजूद हैं जिसको हम देख सकते हैं, उसमें हमारे पास है जी करियर वर्कशॉप्स. करियर वर्कशॉप्स कैन बी टेकन बाय इंडिविजुअल्स एज वेल, और ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें आपको सपोर्ट करती हुई दिखाई दे सकती हैं कि इनफॉर्मल शेयरिंग ऑफ पर्सनल फीलिंग्स जो आप रखते हैं आपके बिलीफ्स के बारे में आपकी स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं, एक्सप्लोरेशन बिहेवियर को आपके इन्हांस कर सकते हैं. डिफरेंट मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ एक्सप्लोरेशन जो है वो आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं कि आप अपनी ये एक्सप्लोरेशन के प्रोसेस को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं. सो रिसर्च ने भी ये शो किया है कि कई हद तक जो स्ट्रेस और एंजाइटी है वो फैसिलिटेट करती है एंड प्रोवाइड द इंसेंटिव फॉर नीडेड करियर एक्सप्लोरेशन बिहेवियर. लेकिन वही बात है कि जो स्ट्रेस है वो दो किस्म की होती है, एक को हम कहते हैं दैट इज स्ट्रेस इज पॉजिटिव और दूसरी को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव. लिमिटेड लेवल ऑफ स्ट्रेस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि ये हमें क्या कर रहा होता है, ड्राइव कर रहा होता है टूवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ अ गोल. लेकिन जो नेगेटिव स्ट्रेस है यानी स्ट्रेस के लेवल का एक हद से बढ़ना हमें क्या करता है, हिंड्रेंसेस देता है, रिकावट डाल रहा होता है, जो हिंडर करता हुआ हमें दिखाई दे रहा होता है. सो फॉर दोज हु हैव डिसाइडेड ऑन अ करियर गोल द की कंसिडरेशन इज वेदर द सिलेक्शन वॉज मेड इन अ वेल इन्फॉर्म्ड फैशन जैसे विजिलेंट टाइप और वॉज कंडक्टेड इंटेंस एंड हेस्टी मैनर हाइपर विजिलेंट टाइप. सो अपने इस स्टाइल को अंडरस्टैंड करना भी बहुत जरूरी है, जो क्योंकि प्री मेच्योर सिलेक्शन या कमिटमेंट इन अप्रोप्रिएट गोल्स के साथ आपको अनफेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ भी लेकर जा सकती है. जो राइटर था उसकी रिसर्च के कुछ रिजल्ट थे कि दोज मैनेजर्स हु मेड अप प्री मेच्योर सिलेक्शन ऑफ अ करियर गोल हैड लेस फेवरेबल वर्क एटीट्यूड and experience more extensive life stress than managers whose career goal selection was more vigilant in nature. So research ne bhi support kiya ki vigilant type of career goal setting or selection of a career is far better than the hypervigilant. So hypervigilant individuals should be encouraged to re-examine their career decisions to assess whether their choices are truly consistent with their talents, interests and aspirations or not. So, यहां तक हम अपने लेक्चर को रखते हैं. इस लेक्चर में हमने बेसिकली बात करने की कोशिश की कि हमारे पास जो करियर से रिलेटेड डिफरेंट डिसीजंस हैं उसमें कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमें करियर में इन डिसीजन की तरफ लेकर जाते हैं. हमने करियर इन डिसीजन की डिफरेंट टाइप्स को देखा
जैसे हमने कहा कि उसके डिफरेंट रीजंस क्या हो सकते हैं, इस डिफरेंट एस्पेक्ट में हमने 7 रीजंस को रिसर्च की बेस पे असेस किया। टाइप्स ऑफ करियर डिसीजन में हमने बीइंग अनडिसाइडेड को डेवलपमेंटली अनडिसाइडेड भी कहा, और बीइंग इनडिसाइसिव को हमने क्रॉनिक इनडिसीजन के नाम से भी बुलाया। इसके अलावा हमें कुछ और फॉर्म्स भी मिली, हाइपर विजिलेंट और विजिलेंट करियर डिसीजन मेकिंग क्या हो सकती है, आपके गोल सेटिंग। डिफरेंट केसेस को हमने पढ़ा तो नहीं, लेकिन आपके लिए शेयर जरूर कर लिया, और पॉसिबल स्टेप्स टू बिकम करियर अनडिसाइडेड में हमने बेसिक कंसंट्रेशन जो कि वो थी सेल्फ असेसमेंट पे, इन्वायरमेंटल असेसमेंट पे, करियर वर्कशॉप्स के ऊपर, और अपने स्टाइल को आइडेंटिफाई करना कि वी आर विजिलेंट और हाइपर विजिलेंट, और हाइपर विजिलेंस की बेस के ऊपर हम अपनी चॉइसेस को कंसिस्टेंट मैनर में अपने टैलेंट्स, इंटरेस्ट और एस्पिरेशंस के साथ मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरीज तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड वी वुड डेफिनेटली लव टू आंसर। सो वंस अगेन थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।